नमस्कार दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, आज स्टैट्स के उल्ट गेम हुई तो मुझे भी मज़ा नहीं आया। ऐसा नहीं है हमारा रैंक अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना, 10 में से एक आधा मैच होता है जब स्टैट्स के उल्ट कुछ होता है। आज एक तो बैटिंग पिच थी और ऊपर से स्पिन फ्रेंडली पिच थी, लेकिन विकेट्स वहाँ पर कौन लेके गया? एक पेसर लेके गया, और वो भी सेकंड पेसर लेके गया। ट्रेंट बोल्ट नहीं लेके गए, ईशांत शर्मा विकेट लेके गए। तो ऐसा नहीं है कि हमारा रैंक अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन आज एक बात मैं आपको बताऊं तो आज केवल उनका दिन था जिन्होंने 6 टीमें लगाई थी, जिन्होंने एक एक दो दो टीमें लगाई थी, उनका बिल्कुल भी दिन नहीं था आज। इसका मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, जो मेरी टीम है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा भी था कि आप अपना आज का मैच ज़रूर दिखाना। ये देखिए, जिन लोगों ने एक या दो टीमें लगाई थी उनका रैंक कुछ ऐसा चल रहा था, राइट? ग्रैंड लीग में और हेड टू हेड में तो आपको पता ही, हेड टू हेड में ठीक चलता है गाइस, हेड टू हेड में ठीक चल रहा है रैंक सब में, बिकॉज हेड टू हेड स्टैट्स के अकॉर्डिंग बनती है और हेड टू हेड में रैंक मेरा भी अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज ग्रैंड लीग वालों का दिन था। तो ये देखिए, जहाँ मैंने 6 टीमें लगाई हैं वहाँ मेरा भी रैंक अच्छा चल रहा है। और ये तो खैर अभी मैच बहुत बड़ा है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 6-7 पॉइंट का फ़र्क है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, मैंने कहा ना, आज केवल उनका दिन था जिन्होंने 6-7 टीमें लगाई थी, उनके लिए आते। मैंने 6 टीमें लगाई, मेरा भी रैंक अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर वही बात दोस्तों, 10 में से एक आधा मैच ऐसा ज़रूर होता है जब स्टैट्स के उल्ट कुछ होता है। यानी कि अब खुद दिमाग लगाइए, पेसर को विकेट मिलने का कोई चांस नहीं था, पेसर को सिर्फ डेथ में विकेट मिलनी थी और कहीं पर भी विकेट नहीं मिलनी थी, और वो भी ट्रेंट बोल्ट को विकेट मिलनी थी गाइज। ईशांत ले गए, अलग बात है, लेकिन जैसे वही है ना, ग्रैंड लीग पिक विकेट ले गया आपका। चलिए खैर, टाइम बहुत कम बचा है, आज के मैच का भी डिस्कशन करना है हमने, एक बार फिर से रीलोड करते हैं। चलो कोई बात नहीं, जो भी रैंक था अभी था। अभी RCB वर्सेस SRH दोस्तों, थोड़ा सा मैं साथ साथ में स्टडी कर करके वीडियो बना रहा था, तो मुझे लगता है कि आज एक बहुत ही क्लासिकल टीम बनने वाली है। तो सबसे पहले क्रेडिट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें मैच ऑन पे टीम बनानी पड़ेगी, राइट? तो गाइस डायरेक्टली चलते हैं मैच ऑन पर। इसकी ग्रैंड लीग बहुत छोटी सी आई है आज, तो सबसे पहले आप ये ज्वाइन कर लेना, सिर्फ 555 बंदों की लीग है, तो सबसे पहले आप ये ज्वाइन कर लेना अभी। अब जो जो मैं आपको बताऊंगा ना, ध्यान से सुनना दोस्तों। मैच है बेंगलोर में, छक्कों वाली पिच है, छोटा ग्राउंड है, पैराडाइज फॉर बैट्समैन है, राइट? लेकिन एक बात मेरी ध्यान में रखना, पार्थिव पटेल को मत लेना दोस्तों। चले गए, अलग बात है, ग्रैंड लीग पिक है आपका, स्मॉल लीग में पार्थिव पटेल को मत लेना। सीधा सा रीज़न है, क्या रीज़न है दोस्तों? भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट ये कमज़ोर है, ठीक है? दूसरा, संदीप शर्मा के अगेंस्ट वो कमज़ोर है, मोहम्मद नबी के अगेंस्ट भी ये कमज़ोर है, और ये तीनों बॉलर टॉप ऑर्डर में आते हैं। कौन कौन से? संदीप शर्मा, मोहम्मद नबी एंड भुवनेश्वर कुमार, राइट? तो एक पत्ता हमारा कट गया। अब सहा का अगर हम बात करें ना, तो उमेश यादव जो 4 के 4 ओवर मोस्टली पिछले IPL अपने ओपनिंग में करते थे, उनके अगेंस्ट इनका बहुत तगड़ा एवरेज है। लगभग इन्होंने 45-46 गेंदों में 80-85 रन लगाए हुए हैं। टोटल की बात कर रहा हूँ, एक मैच की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल उमेश यादव के अगेंस्ट इन्होंने डबल की एवरेज स्कोर लगाए हैं। और अगर ये थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, वो सिर्फ एक प्लेयर के अगेंस्ट करते हैं, वो कौन है कौन है कौन है? वो है रिद्धिमा, सॉरी तो ये प्लेयर ही है, वो है युजवेंद्र चहल दोस्तों। तो एक तो हमारा पिक होगा विकेट कीपर का। अभी डायरेक्टली जाएंगे बैटिंग सेक्शन में दोस्तों। दोस्तों एक बात आपने पूछी ही नहीं, जिन 3 प्लेयर्स का मैंने नाम लिया उन तीनों को भी तो अपनी टीम में रखना, तभी तो पार्थिव को निकाला है, तो थोड़ा सा माइंड लगाइए। भूवी, दूसरा मैंने किसका नाम लिया था? संदीप शर्मा। तीसरा मैंने किसका नाम लिया था? मोहम्मद नबी दोस्तों, राइट? तो अगर हमें किसी एक प्लेयर को निकालना हुआ, अगर हमें बॉलर ज़्यादा लगते हुए SRH के, तो हम किसे निकालेंगे दोस्तों? हम भूवी को निकालेंगे, राइट? तो अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं, अभी नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, राइट? अभी बात करते हैं गाइस बैटिंग सेक्शन की, राइट? तो बैटिंग सेक्शन में हमें क्या देखना है? अभी आप कहेंगे, अरे अरे केन विलियमसन को क्यों ले रहे हैं हम गाइस, इनकी तो फॉर्म बेकार चल रही है। नहीं गाइस, चाहे फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक RCB की ही टीम है जिनको इन्होंने 4 मैचों में 3 50s के साथ 48 रन की एवरेज के साथ कितने रन बनाए हैं? 190-92 रन बनाए हैं। तो आप खुद सोचिए, 4 मैच इनके अगेंस्ट इन्होंने 3 50s लगाई हैं,
और 48 की एवरेज है और 190 रन है इनके। सो दोस्तों, तो फाइनली इनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि हमें केन विलियमसन को लेना है, राइट? दोस्तों एक बात आपने याद नहीं दिलाई मुझे, मैंने क्या कहा था? चहल इनको, मनीष पांडे को भी प्रॉब्लम देते हैं, साहा को भी प्रॉब्लम देते हैं, तो चहल तो हमने टीम ने अभी तक लिया ही नहीं है, तो सबसे पहले अभी युजवेंद्र चहल को भी अपनी टीम में रखेंगे, राइट? कितने प्लेयर हो चुके हैं? 6 प्लेयर। दोस्तों एक बात बताऊं, विराट कोहली को ना संदीप शर्मा ने बहुत बार आउट किया है, तो चाहे कुछ लोग कह रहे हो कि संदीप शर्मा आज नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों अभी इस टीम के अगेंस्ट संदीप शर्मा का, माइंड में ध्यान रखना थोड़ा सा। दोस्तों छोटा सा ग्राउंड है और अकेली SRH की टीम है जो अपने दम पर अभी फोर्थ टीम बन सकती है प्लेऑफ के लिए, बिकॉज अगर वो आज जीत गई तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई वो कर जाएगी बिकॉज ऑफ अ वेरी ब्रिलियंट नेट रन रेट, राइट? तो उसके लिए किसका चलना ज़रूरी है दोस्तों, सोचिए। दोस्तों मार्टिन गप्टिल का चलना बहुत ज़रूरी है और मैं तो इन्हें कप्तान बनाने की भी सोच रहा हूँ आज, बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा। अभी 7 प्लेयर हमारे हो चुके हैं तो 4 प्लेयर बाकी हैं हमारे। तो दोस्तों अभी हमें वो प्लेयर्स लेने हैं जो सबकी टीम में होते हैं, जैसे कि प्राइम प्लेयर्स, और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है राशिद खान का। तो भुवी की जगह हमें राशिद चाहिए अपनी टीम में, राइट? तो एक तो ये चेंज होगा। और सबकी टीम में कौन होता है? सबकी टीम में हमारे इंडियन कैप्टन होते हैं गाइस, विराट कोहली होते हैं, राइट? 8 प्लेयर हो चुके हैं, 3 प्लेयर बाकी हैं। दोस्तों अभी हमें एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, वो क्या लेना पड़ेगा? हमें अभी चाहिए एक प्लेयर और, तो वो डिविलियर्स हमारी टीम में हो सकते हैं, राइट? बिकॉज अभी प्राइम प्लेयर्स चाहिए, तो प्राइम प्लेयर्स सबकी टीम में कौन होगा? खलील अहमद होगा, मेरी बात मानते हो? 3-3 विकेट्स लास्ट 2 मैचेस में लेके गए हैं, चले ना चले अलग बात है, लेकिन सबकी टीम में आपको खलील अहमद ज़रूर मिलेंगे। तो अभी 7 प्लेयर्स हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हम प्लेयर्स नहीं ले सकते, ये देखिए इससे ज़्यादा हम प्लेयर्स नहीं ले सकते। तो अभी आप देख ही चुके हैं मैच जिता रहा हूँ यहाँ पर SRH को, और मुझे खुशी भी है अगर SRH जीत जाए तो। और उसके बाद अगर हमें एक प्लेयर चाहिए तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिकॉज़ 1 डाउन पे आएंगे मनीष पांडे, 2 डाउन पे आएंगे विलियमसन, तो जिसे आप लेना चाहे दोनों में से आप ले सकते हैं, ये चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। या आप खलील के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं मनीष पांडे को, बिकॉज़ बॉलर इनके काफ़ी हो चुके हैं। तो अभी एक प्लेयर हमें चाहिए, वो प्राइम प्लेयर हमारा कौन हो सकता है? देखिए जरा गाइस, सर्च कीजिए कौन हो सकता है प्राइम प्लेयर हमारा ऑलराउंडर्स में। अगर आपको मिलता है कोई, विजय शंकर तो हम ले ही नहीं सकते। बॉलिंग में अगर देखा जाए तो कोई भी एक प्राइम प्लेयर हो सकता है, बैटिंग पिच है लेकिन। तो हमें एक डिसीज़न लेना है गाइस, हम क्या कर सकते हैं? तो संदीप शर्मा को तो हम नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो आप संदीप की जगह यहाँ पर मनीष पांडे ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ आपको किस प्लेयर को लेना है। बैटिंग में चलते हैं एक बार, हेनरी क्लासन। क्यों गाइस? कोहली है, डिविलियर्स हैं, और उसके बाद आने वाले बैट्समैन क्लासन है हमारी टीम में, राइट? तो एक तो ये बनता है समीकरण हमारा। दूसरा समीकरण भी मैं आपको बताता हूँ, तो कप्तान वाइस कप्तान हमें किसे बनाना है दोस्तों? नो डाउट मार्टिन गप्टिल, राइट? और विराट कोहली पहली टीम, ठीक है? अभी आपको 2-3 टीमें देने का मूड है मेरा, तो दूसरी टीम भी आपको देता हूँ मैं, कॉपी करेंगे एक बार। तो दूसरी टीम में हमने क्या कहा था, क्या चेंज आप कर सकते हैं? आप यहाँ पर संदीप की जगह क्लासन निकाल दीजिए, पांडे जी को ले सकते हैं, राइट? और यहाँ पर फिर आपके पास ऑप्शन होगा, आप एक प्लेयर बॉलर ले सकते हैं, प्योर बॉलर यहाँ पर नवदीप सैनी को, राइट? तो एक तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कप्तान हमें किसे बनाना है सोचिए। यहाँ पर हम कप्तान बनाएंगे रिधिमान साहा को, राइट? और VC हम किसे बनाएंगे? VC हम यहाँ पर बनाएंगे थोड़ा सा रिस्क लेकर खलील अहमद को, ठीक है? 2 टीमें हो चुकी हैं, अभी एक टीम मैं आपको और दूंगा, बाकी की टीमें आपको दूसरी तरफ मिलेंगी, यानी कि टेलीग्राम पर मिलेंगी।
तो ये देखिए, अभी इस टीम में आपको क्या करना है, इस टीम में आपको विलियमसन को निकाल देना है, राइट। विलियमसन निकाल दिया है हमने अपनी टीम में से, तो हमारी टीम में अभी कौन कौन बचे हैं देखते हैं एक बार अभी। या फिर वो देखते हैं हेटमायर हो सकते हैं, या फिर वो क्लासन, अभी के लिए हम मानते हैं वो क्लासन होंगे। तो कप्तान हमें किसे बनाना है दोस्तों, सोचिए। तो इसमें हम कप्तान बनाएंगे, किसे बनाएंगे हम कप्तान, पहली दो टीमों में चेक करेंगे पहले तो किसे किसे बनाया है, वीसी किसे बनाया है। तो इसमें कोहली और मार्टिन गप्टिल को रखेंगे, तो देखते हैं दोनों में वीसी कौन है हमारे। तो ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, अभी ये तीनों टीमें हम ज्वाइन कर लेंगे। आप इसमें तीन टीमें और ज्वाइन करके रख लेना दोस्तों, मैं थोड़ी देर बाद आपको टेलीग्राम पर तीनों टीमें दे दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अभी एक हेड टू हेड की ज्वाइन करते हैं हम इसमें से, अभी ड्रीम इलेवन की भी आपको हेड टू हेड की टीम देनी है। 545 वाला एक ज्वाइन कर लेते हैं, मेरा लकी नंबर है। तो अभी डायरेक्टली चलते हैं ड्रीम इलेवन पे। ये देखिए टीम मैंने बनाई हुई है एक, आपको दिखा दूंगा मैं। 8 क्रेड बचे हैं, तो 8 क्रेड में हम किसे ले सकते हैं यहाँ पर, तो अभी के लिए मुझे लगता नहीं किसी को हम फिट कर सकते हैं। तो गुरकीरत मान को फ़िलहाल के लिए फ़िट कर लेते हैं हम, मैंने टीम बनाई हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो कप्तान इसमें मार्टिन गप्टिल और विराट कोहली को हम रखेंगे। टीम मैं आपको दिखा देता हूँ, टीम आप एक बार देख लीजिए, ये टीम है दोस्तों, ये बेस्ट टीम मुझे लग रही है, आप इस टीम के साथ जा सकते हैं, राइट। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और टीम मैं आपको कहाँ पर कहाँ पर दूंगा, टेलीग्राम पे मैं आपको टीम दे दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, UDCRA सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू दोस्तों।